और इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है झारखंड से, जहां राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा स्थगित हो गई है। बता दें कि किसान आंदोलन के कारण राहुल गांधी दिल्ली रवाना हो गए। वहीं पलामू और गढ़वा में आज भारत जोड़ो न्याय यात्रा होने वाली थी। यह बड़ी खबर यहां पर सामने आ रही है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा के इस चरण में राहुल गांधी झारखंड के अलग अलग जिलों में पहुंच रहे थे, और आज और कल गढ़वा और पलामू में ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा होने वाली थी। हालांकि इसे स्थगित कर दिया गया है कि दिल्ली रवाना हो गए हैं राहुल गांधी। और जानकारी ये मिल रही है कि दिल्ली में जिस तरीके से किसानों का आंदोलन देखने को मिल रहा है, उसको देखते हुए राहुल गांधी दिल्ली पहुंच गए। कारणवश जो है झारखंड के दोबारा जो था पलामू उधर हो गया। कब तक संभावना है? अब देखिए, अब चुनाव भी सामने आ रहा है, अब क्या निर्णय लिया ये तो कहना भी मुश्किल है। लेकिन तत्काल जो है 14-15 का जो कार्यक्रम हमारे नेता राहुल जी के जो था भारत जोड़ो नई यात्रा, वो 2 दिन के रिश्ते की आज वो मनरेगा के कुछ कर्मी वगैरह सब जो भेंट करेंगे, इंटरेक्शन करेंगे उनसे, जो था उसी पर हम लोग जाएंगे। 15 को जाना था औरंगाबाद को। और हमारे सहयोगी विनय पांडे तमाम जानकारियों के साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विनय, यहाँ पर एक बड़ी खबर सामने आई है, गढ़वा और पलामू में जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा होने वाली थी वो स्थगित हो गई है। जी, आपको बता दूं कि किस तरह से यह सेकंड फेज का झारखंड में दौरा था जो यात्रा का, तो वह होने वाला था जिसमें कि कन्हैया कुमार आ रहे थे, राहुल गांधी जी आ रहे थे, उसके बाद आपको बता दें कि और लोग, कई नेता लोग आ रहे थे और जयराम रमेश जी भी थे। लेकिन एक बैक अकस्मात कल सूचना जो मिली हम लोग को लगभग 3 बजे करीब कि आने आने मतलब सब कुछ वहीं रहेगा, लेकिन उसमें राहुल गांधी जी नहीं रहेंगे। लेकिन रात 11 बजे यह सूचना मिली कि वो भी जो प्लानिंग है वो कैंसिल हो गया, सिर्फ जयराम रमेश जी आएंगे और रंका में लगभग 1 से 1.5 बजे करीब वो अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इस बीच अभी सूचना आ रही है कि 2 बजे आएंगे और वो रंका में आएंगे जयराम रमेश जी। इस बीच राजेश ठाकुर जो है प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने कहा है कि उनसे पहले हम अभी करेंगे, तो उन्होंने अभी बुलाया है मंत्री जी के आवास पर। अब यह देखना होगा कि और क्या क्या कैंसिल होता है और क्या क्या कार्यक्रम होते रहता है। लेकिन विनय, तो दोनों जिलों में न्याय यात्रा को लेकर तैयारियां तो पूरी हो गई होंगी, और दिल्ली में आंदोलन किसानों का कब तक चलेगा ये भी पता नहीं है, तो कुछ लग रहा है अनुमानित कि इतने दिनों बाद शायद वापस राहुल गांधी इस जिलों में अपनी न्याय यात्रा पूरी करे। जी, अगर आपको बता दूं कि जिस तरह से जो बातें छन कर आ रही है उससे यही मतलब सामने बात आया कि कल जो राज्यसभा सांसद के लिए नामांकन करना था उसको लेकर राहुल गांधी जो हैं वो अंबिकापुर से ही वो लौट गए थे, तो उसके बाद यह खबर आई, उसके बाद उनके कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया। पूरी तैयारी हो चुकी थी, 2 जगह मंच बन गया था, उसके बाद यहाँ पर पूरे शहर में लगा दिया गया था पोस्टर बैनर। लेकिन सुबह जब हम लोग यहाँ से 7 बजे निकले कार्यक्रम के लिए तो पता चला कि सारा बैनर पोस्टर हटा हुआ है, तो जब हम लोगों ने बात किया तब जाकर पता चला कि पूरा कार्यक्रम जो है स्थगित हो गया है और सिर्फ जयराम रमेश जी आएंगे और अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और खासतौर पर मनरेगा मामले पर वो अपना पीसी करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया विनय तमाम जानकारियों के लिए।